नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मान लो चंद्रमा और शुक्र आपके कुंडली में अच्छी युति बना रहे हैं, उसके हैं, स्वराशि के हैं, तो जो जातक की ससुराल अपार संपत्ति देगी और भौतिक सुख सुविधा देगी। देखिए, हम पहले बताया है कि आपका जो भी जाति का है लग्न, आपका व्यक्तित्व है वो शुभ होना चाहिए। मतलब वो अगर लग्नेश मजबूत है, अर्थात तो वो स्वराशि का है, जैसे यहाँ स्वराशि का है, उच्च का है और केंद्र में हो, त्रिकोण में सुप्रभाव में, तो लग्न भी बलवान हो जाता है। और इसके पश्चात जो हम एक बताने की कोशिश करें कि आप जो भी लग्न है, अगर लग्न में चंद्रमा है और चंद्रमा मतलब चार नंबर यहाँ हो और स्वराशि का है तो वो अच्छा है। चंद्रमा उच्च का हो आपके कुंडली में तो भी अच्छा है। तो ऐसे जो जातिका है, तो जो भी जातिका है जिसका चंद्रमा कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहा है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि चंद्रमा जो वृषभ राशि है, मान लो यहाँ दो नंबर की और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो वो उच्च का हो जाएगा। तो इस तरह का अगर दो नंबर की राशि में है और वहाँ चंद्रमा उच्च का है, या चंद्रमा आपका सौ राशि का है, मान लो चार नंबर के यहाँ राशि कर्क राशि और चंद्रमा वहाँ पे है, या ऐसा भी हो सकता है चंद्र और शुक्र की युति बन रही हो, जैसे चंद्रमा उच्च का है या शुक्र सौ राशि का है और साथ में चंद्रमा की युति बन रहा है, चंद्र की और शुक्र की युति भी बन रही है, तो आप मान के चलिए कि लग्न में इस तरह से बन रहा तो जो ससुराल आपको मिलेगी वो अपार संपत्ति होंगे और ज्योति जो भी भौतिक सुख सुविधाएं है वो सब प्राप्त होगी। तो जो भी जाति का है, अगर उनका लग्न में चंद्रमा स्वराशि का उच्च का है और साथ में शुक्र भी बैठा है, या शुक्र भी स्वराशि का है, उच्च का है और चंद्रमा साथ में बैठा है, तो ऐसी जो जातिका होगी उसको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे जातिका के, तो बृहस्पति की भी कुंडली में अच्छी स्थिति होना चाहिए, वो केंद्र त्रिकोण में स्वराशि के उच्च का हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर हमने बताया कि जैसे कि वृषभ राशि का शुक्र हो साथ में चंद्रमा हो, तो स्वराशि का शुक्र हो गया चंद्रमा साथ में उच्च का हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा योग बना, चंद्र शुक्र की युति बनी और वो जातक को बहुत ही सुख सुविधा देगी। इसी तरह चंद्रमा है कर्क राशि, चंद्रमा जो है स्वराशि का हो और साथ में शुक्र बैठ जाता है, चार नंबर के राशि में चंद्रमा स्वराशि का हो जाता है साथ में शुक्र बैठता है, वो भी आपको अच्छी समस्त भौतिक सुख सुविधा देगा। तो इस तरह से आप लग्न में चंद्र और चंद्र शुक्र की युति के द्वारा भी जान सकते हैं कि आपको समस्त जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त होगी। कन्या को ससुराल में अपार संपत्ति रहेगी और उसको सब तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो आप ये सरल सा सूत्र देखा कि कैसा चंद्र शुक्र की युति लग्न में होने से, या चंद्र स्वयं भी उच्च का स्वराशि का होने से कन्या को ससुराल से अच्छी संपत्ति प्राप्त होती है और सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इस तरह आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।